हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अरमान और आप देख रहे हैं रेसलिंग पीडिया। तो दोस्तों, रोमन रेक्स के फैंस उन्हें बहुत ही ज्यादा मिस कर रहे हैं और ये मैंने कमेंट्स में ही देखा है कि आप में से ज्यादातर लोग मुझे हर वीडियो में बोलते हो कि मैं रोमन को लेकर वीडियो बनाऊं। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम रोमन रेक्स के रिटर्न के बारे में बात करेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि क्या रोमन समरस्लैम 2020 में रिटर्न आकर यूनिवर्सल चैंपियन बन पाएंगे या नहीं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, रेसलमेनिया 36 में रोमन रेक्स बिल गोल्डबर्ग को हराकर नए यूनिवर्सल चैंपियन बन जाते और ये वही यूनिवर्सल टाइटल है जो उन्होंने अक्टूबर 2018 में रिलिंक्विश की थी, क्योंकि उन्हें ल्यूकेमिया का इलाज करवाने के लिए टाइटल छोड़कर जाना पड़ा था। लेकिन रोमन यूनिवर्सल चैंपियन बनने से पहले ही WWE से चले गए और कोरोना की वजह से ना सिर्फ उन्होंने रेसलमेनिया 36 में फाइट नहीं किया बल्कि वो अभी WWE से टाइम ऑफ भी ले रहे हैं। और दोस्तों, यही वजह है कि उनके फैंस उन्हें इतना ज्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि रोमन रेक्स WWE में कब रिटर्न आएंगे। दोस्तों, रोमन रेक्स ने अभी हाल में WWE को इंटरव्यू दिया था और उन्होंने कहा है कि वो भले ही कोरोना की वजह से अभी WWE में नहीं आ रहे, लेकिन वो जल्दी रिटर्न आएंगे क्योंकि वो उनके फैंस को बहुत ही ज्यादा मिस कर रहे हैं। और दोस्तों, रोमन रेक्स के रिटर्न आने के लिए सबसे अच्छा टाइम है SummerSlam, क्योंकि SummerSlam WWE के 4 सबसे बड़े पेपरव्यू में से एक है और अगर रोमन रेक्स SummerSlam 2020 में रिटर्न आते हैं तो ये पेपरव्यू और भी बड़ा हो जाएगा। और दोस्तों, जैसा आपको पता होगा ही कि रोमन रेक्स ने रेसलमेनिया 36 में यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मैच नहीं किया था, इसलिए अगर वो SummerSlam 2020 में रिटर्न आते हैं तो उन्हें WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मैच जरूर देंगे। तो दोस्तों, अब आप भी कमेंट्स में बताएं कि क्या आप SummerSlam 2020 में रोमन रेक्स को रिटर्न आते हुए देखना चाहते हो या नहीं, और अगर रोमन रेक्स SummerSlam में रिटर्न आए तो क्या वो यूनिवर्सल चैंपियन बन पाएंगे या नहीं, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। दोस्तों, फिलहाल अभी यूनिवर्सल चैंपियन ब्रॉन स्ट्रोमन बने हुए हैं और उन्हें एक बार फिर से खतरा है ब्रे वाइट से, क्योंकि वाइट अब उनके पुराने रूप में आ चुके हैं जो कि है ईटर ऑफ द वर्ल्ड। और अभी एक्सट्रीम रूल्स 2020 में ब्रे वाइट फिर से फेस करेंगे ब्रॉन स्ट्रोमन को यूनिवर्सल चैंपियनशिप के मैच में। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या इस पुराने रूप में ब्रे वाइट ब्रॉन स्ट्रोमन को हराकर यूनिवर्सल चैंपियन बनेंगे या एक बार फिर से वो मॉन्स्टर अमंग मेन ब्रॉन स्ट्रोमन से हार जाएंगे, कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। दोस्तों, मैट रिडल ने स्मैकडाउन में उनका डेब्यू दे दिया है और फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में उनके पहले ही मैच में उन्होंने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन AJ स्टाइल्स को एक नॉन टाइटल मैच में भी हरा दिया। दोस्तों, यहां से ऐसा लग रहा है कि मैट रिडल को अभी WWE अच्छा पुश देने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि मैट रिडल स्मैकडाउन में अब आगे क्या करते हैं। और दोस्तों, आने वाले मंडे नाइट रॉ के लिए WWE ने अनाउंस कर दिया है कि आस्का फेस करेंगी शार्लेट फ्लेयर को रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के मैच में और साशा बैंक्स और बेली उनकी वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप डिफेंड करेंगी द आइकॉनिक से, और रे मिस्टीरियो भी रिटर्न आने वाले हैं अगले हफ्ते के रॉ में। और दोस्तों, क्योंकि डोमिनिक ने सेथ रॉलिंग्स पर अटैक किया था, इसलिए सेथ और उनकी टीम एक बार फिर से अटैक करने की कोशिश करेगी रे मिस्टीरियो पर। और दोस्तों, SummerSlam 2020 इंडिया में सोमवार 24 अगस्त 2020 की सुबह 3:30 बजे से Sony 10-1 और Sony 10-3 पर देगा। और आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय।